हमारी मैगी भी आ गई है, वॉटरफॉल, मेरी बीवी पतिदेव। हाँ मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको उस वॉटरफॉल के पीछे जाना है, वो जो वॉटरफॉल है, और आपको आपको गीला या तो नहीं होना है, बहुत ही कम से कम गीला होना है। नहीं किसने? नहीं। क्यों? कपड़े नहीं लाए। कपड़े नहीं? एक बढ़िया जगह लेके चलूँ। आज अब हम डेट पे जा रहे हैं। हाँ डेट पे, और देख कैसी वाली डेट है। आ जा। हो आ जा। कैसा लग रहा है? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। एक्चुअली में बहुत बढ़िया है ना ये चीज़। हाँ मेरे पैर सुन हो गए ठंडे पानी में। पैर सुन हो गए? हाँ। पैर फील ही नहीं हो रहे हैं इसके अंदर, इतनी ठंड है। वैसे आपने बहुत सारी डेट्स करी होंगी, बट दिस इज डेट ओवर वाटर। ये देखो पानी के ऊपर हम दोनों डेट कर रहे हैं। पतिदेव। हाँ मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि आपको उस वॉटरफॉल के पीछे जाना है, वो जो वॉटरफॉल है, और आपको आपको गीला या तो नहीं होना है, बहुत ही कम से कम गीला होना है। गीला जाऊंगा उसके पीछे। तो यही तो चैलेंज है, यही आपको चैलेंज है। अब टाइम आ गया। गीला जाऊंगा। चैलेंज चैलेंज। मैगी भी आ गई है, वॉटरफॉल, मेरी बीवी, मैगी और ये पानी। वाओ व्हाट अ डेट, द परफेक्ट डेट। प्लीज टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स। चल भाई मैं तेरा हाथ पकड़ लूंगा। टेक केयर ऑफ योर बिलोंगिंग्स लिखा हुआ है सामान को जाने पर। स्टाफ की कोई जिम्मेवारी नहीं है। तो मैं सामान हूँ? अरे बिलोंगिंग। हाँ, वो तो मैं की पर्सनल बिलोंगिंग हूँ ना। पर्सनल बिलोंगिंग। चलो हम ऊपर जा रहे हैं। बाय बाय, टाटा कर दे इस जगह को। बाय बाय। अच्छा कैसा था एक्सपीरियंस? हाउ वाज एक्सपीरियंस ये बता पहले। बहुत अच्छा, मुझे बहुत मजा आया। स्पेशली जहाँ हम बैठे थे ना उसके पास, कौन सा था वो वॉटरफॉल? भट्टा फॉल्स के पास बैठे हम ठंडे ठंडे, उसमें पानी का पैर डाल के, और उसमें मैगी खाई और गर्म गर्म चाय पी, मेरे को सबसे ज़्यादा अच्छा मान लगा। हम दोनों भट्टा फॉल से आ चुके हैं, बहुत बहुत मजा आया। और स्पेशली जब हम बैठे थे वाटरफॉल के आगे बिल्कुल पानी में, अपने ठंडे ठंडे पानी में अपने पैर डाल के, उसमें बहुत ज्यादा मजा आया। अब हम फाइनली डेट ऑन वाटर थी हमारी, और अब हम फाइनली दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। और अभी रास्ते में मुझे कुछ मीठा जरूर खाना है, या तो मैं पेस्ट्री खाऊंगी किसी अच्छी बेकरी से, या फिर आइसक्रीम, स्पेशली चॉकलेट आइसक्रीम। हाँ गर्मी ज्यादा हो गई है एक्चुअली। दिल्ली की तरफ जब हम जाएंगे तो पहाड़ खत्म हो जाएंगे और गर्मी बहुत है दिल्ली में, तो हम आइसक्रीम खाएंगे। वैसे ना मुझे माउंटेन्स पे जब हम जाते हैं कार या बस किसी में भी जाए तो मुझे बहुत ज्यादा प्यूकिश फील होने लग जाता है, और मेरे को चक्कर भी आते हैं, बहुत सर घूमने लग जाता है मेरा। लेकिन पतिदेव मेरे इतने अच्छे ड्राइविंग की, उन्होंने इतनी धीरे धीरे चलाया कि आज मुझे ऐसा कुछ फील नहीं हुआ, तो आज मैं बिल्कुल सही हूँ। मैं पतिदेव इज द बेस्ट। थैंक्स। पतिदेव मुझे आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है बहुत ज्यादा। आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है? हाँ। अभी आइसक्रीम खाता हूँ। ओए बादाम दूध पी के अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बादाम दूध तो फिर और अच्छा है। वर्ल्ड का बेस्ट बादाम दूध पिलाऊंगा तेरे को, मजा आ जाएगा तेरे को। तू कहेगी ओए होए मैंने जीवन में इससे बढ़िया कुछ पिया ही नहीं है। तो ठीक है पीते हैं। ठीक है मैं तेरे को अभी लेके चलता हूँ दुकान पे। देहरादून में दुकान है और इतना सही बादाम दूध मिलता है ना उसमें, ठंडा 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 चिल्ड। ठीक है बढ़िया। चलो चलो जल्दी चलो। जल्दी चलो, चलान कट जाएगा। देखो ये लड़की मेरे को बोल रही है जल्दी चलने के लिए, चलान कटा तो ये देगी।
ठीक है, ठीक है, पागल लेगा नो, धीरे चलानी चाहिए, सेफ ड्राइविंग इज द बेस्ट ड्राइविंग, ओके भाई। दो बादाम मिल्क ले, ये ले, चीयर्स। सही है, मजा आया। रबड़ी इसमें ड्राई फ्रूट डाल दिए। सो फाइनली हमने बादाम मिल्क पी लिया है और रबड़ी भी खा ली है, जो कि वर्ल्ड की बेस्ट अमेजिंग रबड़ी थी। बहुत 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 अच्छी लगी मुझे, क्योंकि मुझे मिठाई बहुत पसंद है। पसंद आया ना? बहुत ज्यादा। वर्ल्ड का बेस्ट बादाम मिल्क पिलाया, बहुत ज्यादा, 100 रुपए दे। अरे वो तो खैर मेरा प्यारी काफी है आपके लिए। लेकिन अब हम बीच में ना कहीं रुकते गए तो बहुत ज्यादा टाइम लग गया हमें। अब हम सीधा दिल्ली के लिए निकल चुके हैं और हम कहीं नहीं रुकने वाले पतिदेव। कहीं नहीं रुक रहे, अभी हो गया टाइम 6:15 हो रहे। सो अब हम सीधा दिल्ली जाएंगे और हम सीधा दिल्ली में अपने घर पे रुकेंगे। रास्ते में कुछ भूख लग गई तो वो तो खैर 5-10 मिनट के रुक सकते हैं, इतना तो सही बात है। 2 hours later पतिदेव, ये कौन सा रास्ता है? ये एक्सप्रेस वे है क्या? यमुना एक्सप्रेस वे। यमुना एक्सप्रेस वे? हाँ। पागल है क्या? हमें देहरादून से यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से आ जाएगा? अरे ये वैसे सही लग रहा है, लास्ट टाइम जब हम वृंदावन से आ रहे थे तो। अबे वो नहीं है, ये वो नहीं है। अबे वृंदावन अलग जगह है, देहरादून अलग जगह है। देहरादून उत्तराखंड में, वृंदावन उत्तर प्रदेश में। कुछ मिलता जुलता सा रास्ता लग रहा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो। सो बहुत ही बड़ा पोपट हो गया है। हमने क्या किया, हमने मैप बंद करके ना, और हमने गाने चला दिए, गाने वाने गा रहे हैं, मस्त ड्राइविंग का एंजॉय कर रहे हैं, प्लेजर एंजॉय कर रहे हैं। मैंने बोर्ड देखा एकदम से, मैंने कहा शिमला चंडीगढ़ अम्बाला, ये क्या हो गया? फिर देखा तो हम गलत रास्ते पे चले गए, और गलत रास्ते पे कम से कम हमने 70-80 किलोमीटर गाड़ी चला दी। अब हमारा जो ETA है, जो एक्चुअली में एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल था, वो 1.5 घंटा बढ़ गया। अभी हम वापस आ गए हैं, चीकू का पहले ही पता चल गया कि हम वापस आ गए हैं, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं। तो अब चीकू का रिएक्शन देखते हैं। हेलो, नमस्ते नमस्ते। हाँ मेरे से क्यों मिल रहे हैं? बस। आज बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग हो गई, बहुत ज्यादा मस्ती हुई, बहुत ज्यादा फन हुआ, बहुत ज्यादा गेम्स खेले और थक गए, और बहुत सारा पोपट भी हो गया, और मुझे नींद भी आ रही है। इसको नींद भी आ रही है, नींद तो मेरे को भी आ रही है बहुत तेज। बहुत पोपट भी हो गया क्योंकि गलत रास्ता ले लिया था, तो हमारा 1 घंटा तकरीबन ज़्यादा ही ख़राब हो गया होगा, और हम ज़्यादा ही गाना गा गा के घूम रहे थे। तो थैंक यू सो मच, आपका जितना सपोर्ट मिल रहा है चैनल ग्रो करने के अंदर, हमें आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है। वीडियोस हमारी सारी आप एंड तक देखिए, एंड तक देखते हैं उसके लिए थैंक यू, लाइक करते हैं उसके लिए थैंक यू, कमेंट करते रहते हैं उसके लिए थैंक यू, और सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके लिए भी थैंक यू। तो जल्दी मिलते हैं, हाँ इन एडवांस, तो जल्दी मिलते हैं। आपको पता है जैसे ख़त्म करने से पहले एक बार मुस्कुरा दीजिए, जल्दी मिलते हैं।